क्या बात है भाई, इतना खुश क्यों नजर आ रहे हो? खुशी की तो बात है भाई, ड्यूटी से पहला छुट्टी जो मिला है, और घर वालों से मिलने का मजा ही कुछ अलग होता है भाई। ये बात तो सच है, हम दो तीन साल में एक बार घर जाते हैं तो मजा ही कुछ और होती है भाई। तू मेरा एक काम करेगा, तू घर जा रहा है और मेरा घर तेरे रास्ते में ही पड़ता है, जाते हुए तेरे भाभी जी को चिट्ठी दे के जाना। अरे भाई चिट्ठी, फोन और इंटरनेट के जमाने में भी चिट्ठी। अरे भाई जो मजा इस चिट्ठी में है और फोन और इंटरनेट में कहा, ये बात तो आपने सही कहा। ठीक है चलता हूँ, जय हिंद सर। जय हिंद। और हाँ चिट्ठी को पढ़ते हुए मत जाइयो, फिकर मत करो, पढ़ता हुआ जाऊंगा। तो मैं भी तो देखू इस चिट्ठी में क्या है, चिट्ठी पढ़ तो तेरा सर फाड़ दूंगा। गांव के आसपास कुछ दुश्मनों के होने की एक्टिविटी दिखी गई है। जैसे ही खबर मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। इकट्ठा करो और गांव की तरफ चलने की तैयारी करो, कुछ घुसपैठी को देखा गया है। ठीक है सर, जय हिंद सर। भाईजान हमने सभी तैयारी कर लिया। शाबाश मेरे शेरो, शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, आज रात अपने सभी साथियों को सरहद पार करके आ जाने के लिए बोल दो। और वो हिंदुस्तानी फौजी वो मुंह खोला कि नहीं भाईजान? उसका होश अभी तक नहीं आया है। उसका होश भी आएगा और वो मुंह भी खोलेगा। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तन, ए वतन मेरे वतन। ए फौजी, जो हाल तेरा आज हुआ है ना, कल पूरा हिंदुस्तान का होगा। अगर तुम अपनी जान की सही सलामती चाहते हो, जो हम पूछे उसका सही सही जवाब दो। मैं वादा करता हूँ मैं तेरा जान बख्श दूंगा। यही बात मैं तुमसे कहता हूँ, जो पूछता हूँ उसे ही सही बताना। भारत माँ की कसम तेरी जान तो नहीं बख्शूंगा, पर तेरी जान लेते वक्त तुझे दर्द नहीं महसूस होने दूंगा। उस्ताद तेरी इतनी हिम्मत, मारो इससे। आखिरी मौका है तेरे पास, सही सही अपने देश की राज बता दे। बस इतना ही दम है तुम लोगों में? मासूम लोगों को मारते हो, बच्चे लोगों को मारते हो, ये सोचकर कि तुम्हें जन्नत मिलेगी? अच्छा अब तुम हमें बताओगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। शाद रहे तो ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। Thank you.
जा फौजी, अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता।